भाई रशिया में कार चलाने का मौका। देखता हूँ कैसे चलाते हैं रशिया में कार। हाँ यस यस यस, यहाँ पे उल्टे सीधे हाथ में वो है। रशिया में कार चला सकता हूँ भाई, मैं सच में चला सकता हूँ, मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो लेफ्ट राइट वाला थोड़ा सा गड़बड़ रहता है भाई, थोड़ा सा रहता ही है। रशिया में भाई कार चलाना इतना मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये लोग फॉलो करते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि आप थोड़ा ये उल्टा रहता है कि आपको चलना राइट में है और जो कंट्रोल्स हैं वो भी उल्टे हैं हमारे। जैसे मैं अभी इंडिकेटर मैंने कोशिश की ऑन करने की, लेकिन इंडिकेटर की जगह में एक्चुअल में वो वाइपर ऑन हो गया। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर भाई कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहा है या उसने सिर्फ पाँव भी अभी रखा है तो आपकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल ज़ीरो हो जानी चाहिए। भाई ये देखो सारी गाड़ियाँ रुक जाती है यार, ये चीज़ मेरे को ना बड़ी सही लगती है। और जब तक ये आंटी अंकल जाएंगे नहीं वो गाड़ी हिलेगी नहीं वहाँ से। रशिया में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी भाई बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलती से पकड़े जाते हैं ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए, पहली बार में आपको जुर्माना देना पड़ेगा 30,000 रूबल। लेकिन गलती से अगर आप दूसरी या उससे ज़्यादा बार पकड़े गए तो जुर्माना होगा 2,00,000 से 3,00,000 रूबल्स एक बार के लिए। मज़ा आया सच में। थोड़ा जो यार इनके ना सब कुछ उल्टा है,
मैं ये वाइपर चल पड़ा मेरा, मैं एक्चुअली इंडिकेटर देना चाहता था। हमारा इंडिकेटर इस साइड होता है और इनका जो हमारा वाइपर वगैरह वो इस साइड होता है, इनका उल्टा है सब कुछ हिसाब किताब, तो थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर मैं शायद मैं 2-3 बार चलाऊंगा तो मैं सीख जाऊंगा। मैंने रशिया में कार चलाई भाई। थैंक यू। I drove car in Russia. Smatri. Okay, smatri. बस एक कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, जब गोल चक्कर टाइप का कुछ आता है ना कहीं पे, तो पता नहीं चलता कि भाई मुझे कहाँ किस साइड में जाना है, यानी कि वो क्योंकि यहाँ पे राइट में ड्राइव करना है तो वो पता नहीं चलता कि कौन सी लेन में जाना है। और यहाँ पे लेन ड्राइविंग बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, हमारी तरह नहीं है कि जैसे हम लोग करते हैं कि कहीं पे भी आप जो है मोड़ सकते हैं लेफ्ट से राइट से। यहाँ पे लेन में अगर आप जिस भी लेन में चले हुए हैं तो आपको उस गोल चक्कर में भी उसी लेन में जाना, वो पता नहीं चलता भाई वो लेन है कौन सी, क्योंकि वो सारी जाके मर्ज होती हैं। फिर ये मैं देखता रहता हूँ जब ये लोग ड्राइव करते हैं, तो मैं देखता रहता हूँ कि भाई इस वाली लेन ये कौन सी लेन आएगी, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कई बार। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पे बड़ा सही सिस्टम है, रेलवे क्रॉसिंग पे तान्या ने क्रॉसिंग पे पहुँची, ऐसा नहीं कि भगा दो क्रॉसिंग पे, स्पीड 0 की, फिर लेफ्ट राइट देखा, फिर जाके आगे बढ़े। ट्रैफिक सेंस अच्छे तरीके से, ट्रैफिक रूल ये लोग फॉलो करते हैं गांव में भी। अब ये देखिए, अब दाने ने फिर रोक दिए गाड़ी, अब फिर ये देखेंगे ये 0 कर देते हैं स्पीड को, पहले 0 की, फिर लेफ्ट राइट, उसके बाद फिर ये लोग चले। हमारे यहाँ पे तो शायद कोई ब्रेक मारेगा भी नहीं, ब्रेक क्या मारेगा, अगर वो हमारे यहाँ पे जो होता ना क्रॉसिंग पे जो बैरियर लगा होता वो नीचे आ रहा होता, लोग फिर भी घुसा रहे होते गाड़ी। कई बार तो बेचारे को रोकना पड़ जाता है वो बीच में, क्योंकि कार वाले बाइक वाले सब घुसते रहते हैं। लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं वो नीचे गाड़े हुए हैं, जैसे हम लोग पत्थर का रास्ता बनाते हैं तो इन लोगों ने लकड़ी का बनाया हुआ है। अच्छा भाई, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कहलाया जाता है कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो कपल यहाँ पे आते हैं इस एरिया में, वो लोग बैठते हैं और यहाँ पे एक सेरेमनी होती है। वो सेरेमनी क्या है कि जो दूल्हा है दूल्हे को चढ़ना पड़ता पेड़ में ऊपर, और ऊपर जाके वो एक रिबन बांधेगा, जिसका रिबन जितना ऊपर बंधेगा उनका कहते हैं कि जो रिश्ता है वो उतने दूर तक जाएगा। तो ये हैं कुछ भाई साहब जिन्होंने हिम्मत की और कुछ तो काफ़ी ऊपर तक गए, और कुछ भाई साहब ज़्यादा दूर जा नहीं पाए। ये वो उस पूरे पेड़ में बंधे हुए हैं रिबन्स। तो ये आप देखेंगे पूरे पेड़ में ऊपर ऊपर तक लोगों ने कोशिश की है, और कई लोग तो सच में बहुत ऊपर तक गए हुए हैं। लेजी मैन कह रही है,
ये वाला बहुत लेजी मैन था। बंदे ने बोला भाई बस यहाँ से ऊपर मैं नहीं जा सकता। मतलब दुनिया में अजीबोगरीब रस्में हैं, अजीबोगरीब रिवाज हैं। तो ये एक रशिया का कहते हैं ट्रेडिशन है, हर गांव में इस तरह का एक पेड़ होता है, एक जगह बनाई जाती है गांव के बाहर, और शादी के बाद वो कपल वहां पे जाता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। और ये पूरा एरिया देखिए आप कितना बढ़िया बनाया हुआ है, कि यहाँ पे शादी के बाद छोटी सी पार्टी होती है, और ऐसा नहीं कि वो दोनों अकेले रहते हैं उस समय उनके रिश्तेदार भी साथ होते हैं, और पूरी पार्टी टाइप की होती है यहाँ पे।